नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पूरे प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए लगातार तैयारियों का क्रम जारी है। आगामी 6 जुलाई को पहले चरण में निकाय चुनाव में मतदाताओं द्वारा वोट डाले जाएंगे। इन्हीं तैयारियों के चलते नगर परिषद चित्रकूट के निर्वाचन अधिकारी SDM मंजगवा PS त्रिपाठी द्वारा 15 वार्डों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीनों को निकलवाकर मशीनों की कमीशनिंग और मार्क पोल करवाया गया। अभ्यर्थियों द्वारा वोटिंग मशीनों में वोट डालकर जांचा परखा गया। उसके बाद पुनः मशीनों को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामता में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया। निर्वाचन अधिकारी SDM मंजगवा PS त्रिपाठी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी 5 जुलाई को मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। जो 6 तारीख को नगर पंचायत चित्रकूट के पार्षद पद का निर्वाचन होना है, मतदान होना है जी, उसके लिए जो है ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामता में EVM रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जैसा कि पहले ही आप लोगों को मालूम है कि EVM हमको पहले प्राप्त हो गई थी और सबकी उपस्थिति में यहाँ सील की गई थी। मतपत्र भी सबका तैयार हो गया था। आज हम लोगों ने स्ट्रांग रूम सभी प्रत्याशियों के सामने खोल करके और EVM की कमीशनिंग कराया है और कमीशनिंग कराने के पश्चात अभ्यर्थियों के समक्ष मार्क पोल किया है और फिर स्ट्रांग रूम में सारी मशीनें रख करके और उसको स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। अब ये 5 तारीख को खोला जाकर के मतदान दलों को सामग्री के साथ EVM वगैरह वितरण किया जाएगा।